बहुत ज्यादा रो रहे थे भाई, पापा बहुत ज्यादा रो रहे हैं। दूर है मैं, दूर है मैं तुम्हें, तुम्हें दूर है मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जबरदस्त हैं। अभी जस्ट मैं दौड़ के आया कुछ देर पहले, और आते ही एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और ब्रश करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट जो सुबह का सबसे पहले का नाश्ता होता है, लाइक फ्रूट, चना, ड्राई फ्रूट, चना, किशमिश वगैरह सब कुछ, अभी खाने का टाइम हो चुका है, तो अपन खाने को चले। दोस्तों ये देखिए, आज का मेरा ये है मॉर्निंग का नाश्ता। दोस्तों दौड़ने से भी ज़रूरी है सही डाइट फॉलो करना, और उसी को फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फिटनेस में अपना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फिट नहीं होगा ना भाई, हर कोई बोलता है क्या अनूप तुम्हारा ना पेट निकल जा रहा है। अब बोलिए तो पेट क्या निकल रहा है, थोड़ा सा निकला है, इतू सा निकला है, उसमें इतना लोग बोलेंगे। हाँ लेकिन एक ख़राब लगता है जब शर्ट पहनते हो और बॉटम सब जो टाइट हो गया एकदम पेट के अंदर तक दिखता है ना, वो बहुत भयानक दिखता है भाई। इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट को एक महीना में घटाना ही है, मतलब दुर्गा पूजा से पहले पेट को गायब कर देंगे, एकदम सॉलिड लगना चाहिए। ठीक है, अभी कैसा है आप सभी देख सकते हैं, देखिए अभी ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल ऐसा रहता है मेरा। ठीक है, नॉर्मल ऐसा रहता है, लेकिन ये देखिए नॉर्मल ऐसा रहता है, बट मेरे को ऐसा करना है, और शायद इससे भी अंदर जाए तो चलेगा, मज़ा आएगा ना, आप फिट दिखेगा एकदम। सिक्स पैक वगैरह में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन भाई जो एनर्जी मिलता है ना काम करने का, जो पढ़ाई करने का जो एनर्जी मिलता है ना, अलग ही है भाई, अलग अलग लेवल का है। देखिए मैं दौड़ के आया, ऐसे नहीं रहता हूँ, दौड़ने जब नहीं जाता था तो सुबह 8 बजे 9 बजे उठ जाता था, जिस दिन मेरा कोचिंग नहीं रहता था, लेकिन अब दौड़ने जाता हूँ सुबह ही उठ गया, दौड़ के आया, उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया, फिर ब्रश वगैरह किए। अगर पहले करके दौड़ने चले जाते हैं, जैसे 4:30 बजे 5 बजे गए, ब्रश नहीं करते हैं, आके करते हैं, और आने के बाद थोड़ा काम कर लेते हैं, जैसे वीडियो अपलोड वगैरह होता है, ठीक है वो सब अपलोड कर लेते हैं, एंड उसके बाद भाई अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, ये फ्रूट का ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा के फिर ओरिजिनल ब्रेकफास्ट, ठीक है, कुछ दमदार खाना खाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं, तो अलग ही लेवल का एनर्जी मिलता है भाई ये एक्सरसाइज करने से। इसलिए दोस्तों जो सोच रहे हैं कि मेरे को भी एक्सरसाइज करना है, तो चले जाओ, ठीक है, ग्राउंड में चले जाओ, एक दो दिन पैदल चलो, मॉर्निंग वॉक सिर्फ करो, उसके बाद देखना अपने आप धीरे धीरे लोगों को देखोगे ना तो मन करेगा। अभी मेरा आज 4-5 दिन हुआ रिस्टार्ट किए, हुआ आज हुआ 5 दिन, और इसको मैं चाहता हूँ कंटिन्यू रखना हमेशा के लिए, तो देखते हैं कितना दिन, अगर थक गए बीच में ना तो बहुत ख़राब होगा, क्या कि अलग अलग भाई। आप सभी मेरे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं, अभी जब से मैंने शुरू किया मॉर्निंग में उठ के रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, तब से अलग ही लेवल का एनर्जी फील कर रहा हूँ भाई, अंदर से दिल से बात बोल रहा हूँ भाई, एकदम दिल से, दिल का बात है दिल तक जाएगी दोस्तों, दिल की बात है दिल तक जाएगी, तू अगर मेरी ना हुई ना तो बहुत पछताएगी। दोस्तों अभी ये सब को मिक्स कर रहा हूँ, अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में मेरे को बताएं। वीडियो देख कर ये जान के बहुत अच्छा लगता है, और मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताएं। दोस्तों पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था, और
उसके बाद से पापा तो 2-3 दिन चल रहे थे। मैं उसी दिन पापा को बोला कि पापा चलिए इलाज करवा लेते हैं, फोटो करवाते हैं, एक्सरे वगैरह करवाएँगे तो पता चल जाएगा क्या हुआ है कि क्या नहीं। लेकिन पापा बोले नहीं नहीं दर्द ज़्यादा नहीं है, सब ठीक है, नहीं जाएंगे। तो पापा नहीं आए, जिद करने लगे, तो मैं तो ज़बरदस्ती ला नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश किया लाने को, बट वो नहीं माने। अब क्या हुआ है ना भाई कि पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है एंड वो सीरियस हैं, तो उन्हीं को लाने के लिए जा रहे हैं अभी। तो मैं तो झालदा में रहता हूँ, तो झालदा में हूँ। दीदी पापा को लेके आएंगे और यहाँ एक्सरे वगैरह करवाएंगे और क्या होता है देखा जाए। चल एकदम नहीं पा रहे हैं, एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मम्मी मेरे को बताई कि बहुत ज़्यादा पापा रो रहे हैं तुम्हारे, आ जाओ और आके इलाज कराओ, ले जाओ पापा को, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं पापा, दर्द बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो आ रहे हैं वो लोग, आते आते हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और क्या क्या होता है आप सभी को दिखाएंगे भाई, जरूर वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई नो ये तो एक गुड न्यूज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है, लेकिन क्या करें भाई, तकलीफ़ है घर में, थोड़ा तकलीफ़ है। जल्दी पापा ठीक हो जाए यही दुआ कीजिए, कमेंट में ज़रूर आप लोग थोड़ा दुआ कर ही सकते हैं कि पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब कितना क्या हुआ है अभी तो पता नहीं, डॉक्टर को दिखाने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा। तो चलिए जाते हैं, वो लोग शायद पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ भाई, मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, अब पापा शायद चल भी नहीं पा सकते। 67 एज में अभी ठीक हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इलाज चल रहा है, प्लास्टर तो उस जगह नहीं हो पाएगा, दवाई खा के ही उसे ठीक करना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे। जब मैंने उनसे बात किया डॉक्टर साहब वही बोल रहे थे, तो देखते हैं भाई अब क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो पापा को क्या करें पता नहीं यार। प्लीज़ गाइस गिव मी सम एडवाइस, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा था, दर्द का इंजेक्शन दे दिया है डॉक्टर। हे दोस्तों अभी पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, सीरियस है भाई पापा, तो इसीलिए उसको लेके हॉस्पिटल आए हैं। अभी हम लोग एक्सरे करने के लिए अंदर घुसा पापा, और जस्ट में आया दीदी अकेले ही उसको लेके चली आई है झालदा, और मैं झालदा में था तो अभी नहीं आया, लेकिन वो अंदर घुस चुके हैं, इलाज करवाना पड़ेगा। और ये मेरा दोस्त है जो लेके आया, अपना टेम्पू से लेके आया है भाई मेरा घर से यहाँ तक। पापा का कमर जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसीलिए ले आए, एक्सरे होगा, तो अगर हड्डी वगैरह टूट गया है तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा, क्या कि दर्द इतना ज़्यादा है कि सह नहीं पा रहे हैं, आज बहुत रो रहे थे। दोस्तों अभी पापा को लेके भाई, पापा का पैर टूट गया है इसलिए पापा को लेके थोड़ा उसका इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, एम्बुलेंस तो मिला नहीं इसलिए टेम्पो में जा रहे हैं, बाइक में बैठ नहीं सकते इसलिए टेम्पो का बंदोबस्त करना ही पड़ा दोस्तों। दोस्तों पापा आ चुके, चल नहीं पा रहे हैं, ये देखिए हालत ख़राब, दिन भर कुछ खाए नहीं पिए नहीं हैं, इनको लेके अभी घुसेंगे।
अच्छा एक दिन तो घोस के हाँ घोस जाए एकदम पास चल रहा है दूर है मैं चाहे तो दूर है एकदम छाता बिटी अंदाज कर दे एकदम पास चल रहा है कोई ना था ना बंद था उन्हें एकदम छाता मार कर तू फेरी आ गई बांधा लाओ ना हाँ गंठिया वाला है हेलो कहाँ था धर्म मौका धर है आराम बजड़ी से ना तो नीचे दूर है मैं तो दूर है मैं लाइट ऊपर उठाओ सीधा डाला है तो बेहनी पे बैग वाले तो देखो सर दोस्तों ये देखिए पापा का यहाँ देखिए भाई यहाँ जो है यहाँ टूट गया है इस जगह पे यहाँ टूट गया है तो इसीलिए इसका प्लास्टर करवाना पड़ा अभी दवाई चलेगा ये बहुत डेंजर हो गया है वहाँ मतलब प्लास्टर ये एक ऐसा प्लास्टर किया गया है आप लोगों को क्या बताएं सब कुछ पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं।